तो पर्सन ने मुझे यूट्यूब पर कमेंट किया था कल के वीडियो में कि क्या कस्टमर जो टिप देता है उसे हम देख सकते हैं इमीडिएटली डिस्प्ले में। तो आज मैं दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ पर टिप मिला है। हाँ, लंच कर लिया है। तो आज घर से बिस्किट लाया था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि सारा रात पेट में दर्द था, इसीलिए बिस्किट लाया था। और थर्ड ऑर्डर भी मेरे पास आ चुका है, कल दिखाता हूँ। हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल एंड सबको मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। और देखो आज कितना सुहाना मौसम है। और अब मेरे बहन और सजमौसी की बेटी वो लोग इधर आए हुए हैं, तो मेरी बहन उनके साथ टहल रही है सुबह मॉर्निंग में, और मैं ठीक ही हूँ। लेकिन कल रात थोड़ा सा तबीयत ख़राब था बहुत, इसीलिए वॉइस आप पहचान ही पा रहे होंगे। और वहाँ पर लाली को देखो, लाली जो है वो एक बस्ते के ऊपर सोया है। बहुत प्यारा डॉगी है हमारा। और क्या ही बोलूँ, आज सोच रहा था कि काम पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा सा बेटर हूँ तो काम पे चलते हैं। तो ये देखो, ये है छोटी की बेटा, छोटी मौसी का बेटा जो खेल कूदने में उस्ताद है। और क्या ही बोलूँ, तो चलो काम पे चलते हैं। और आज ये देखो बटरफ्लाई, मैंने रिकॉर्डिंग किया था और वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, तो चलो। तो दोस्तों देखो, ये है मेरा साइकिल और मैं भी जा रहा हूँ बाज़ार, और पीछे बैग खड़ी कर लिया है, तो चलो चलते हैं। और ये देखो सब लोग टहल रहे हैं, पर मुझे जाना है बाज़ार, चलो चलते हैं। 2 hours later मैं हूँ बीच सड़क पे और मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए लेट हो गया निकलते हुए घर से। तो चलो जल्दी से अपने जोन में चलते हैं। अभी भी मुझे 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर और चलना है, सॉरी साइकिल से जाना है। तो चलो, मैं अभी हाईवे पर हूँ और अभी मुझे 4-5 किलोमीटर और साइकिल से जाना है, तो चलो चलते हैं। वाह, क्या स्पीड से गया सामने से, ठीक है चलो। A few moments later. देखो दोस्तों, मैं अपने जोन में पहुंच चुका हूं और मैंने बहुत जल्दी आया, लेकिन फिर भी मैं लेट हो गया, मुझे अफसोस है। 1:03 मुझे 1 बजे से पहले ऑनलाइन होना था और मैं ऑनलाइन बस 1 मिनट के चलते हुआ हूँ, बस 1 मिनट लेट हो गया मैं। आज मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था, कल सारा रात मेरा तबीयत ख़राब रहा, लेकिन अगर मैं स्लॉट कैंसिल करूँगा तो पेनल्टी लगेगी, इसीलिए काम में आना पड़ा, वरना आज काम करता ही नहीं मैं, क्या करें। देखते हैं कब तक ऑर्डर आता है, कल सारा रात तक प्रॉब्लम था, मैं सो ही नहीं पाया, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और आज भी हालत ख़राब ही है। हिम्मत जुटा कर आया वो काम में, देखता हूँ ऑर्डर कब तक आता है, पता नहीं इस बात का मुझे पेनल्टी लगेगा या नहीं। 12 से 1 बजे तक का एक स्लॉट था, तो लगेगा भी तो क्या कर सकते हैं, देखना ही पड़ेगा फिर बाद में, चलो बाद में मिलते हैं। A few moments later. दोस्तों फाइनली आ गया है ऑर्डर, 1.79 किलोमीटर, तो अभी कंफर्म फूड्स करेंगे चौमैन। तो चलो जल्दी से पिकअप करने चलते हैं लोकेशन में, रेस्टोरेंट में। 18 मिनट फोकस का बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, अब ठीक है, तो चलो जल्दी। तो जस्ट 1 मिनट, बस 1 सेकेंड या 1 मिनट का डिस्टेंस समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा देखो साइकिल में जितना जल्दी हो सके मैं आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसी चलते 1 सेकेंड या 1 मिनट लेट हो गया, पता नहीं पेनल्टी लगेगा या नहीं, मुझे भी नहीं पता, अगर लगता है तो वीडियो बनाकर भी दे दूँगा, ठीक है। तो चलो रेस्टोरेंट में पिकअप करने चलते हैं। A few inches later. एक साथ 2 ऑर्डर आ गया, दोनों ही सेम रेस्टोरेंट ही है, देखो पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, पर दोनों एकदम सेम रेस्टोरेंट ही है, देख लो दोनों एकदम सेम रेस्टोरेंट है।
तो चलो चलते हैं पिकअप करने के लिए। A few inches later. तो मैं अभी जस्ट लोकेशन पे पहुंचा हूँ, यानी रेस्टोरेंट पे, और देखो मैंने कस्टमर का पहला ऑर्डर पिक कर लिया है। A few moments later. तो मुझे अभी जाना है फोर्थ फ्लोर पे, तो टॉप फ्लोर इधर का फोर्थ फ्लोर ही है। तो चलो जल्दी से डिलीवरी कर देते हैं और मेरा डिलीवरी करना कंप्लीट। फाइनली मैंने पहला ऑर्डर जो है वो डिलीवरी कर दिया है, अब सेकंड ऑर्डर की बारी है। आप जानते हो कि मल्टी ऑर्डर आया था, तो चलो जल्दी चलते हैं। रेस्टोरेंट वालों ने वैसे भी बहुत लेट करवा दिया है, चलो चलते हैं। A few moments later. सेकंड ऑर्डर भी डिलीवरी कर दिया है, तो आप चलो जो नहीं वापस चलते हैं। वैसे बहुत गर्मी है ना, थक गया हूँ, तो चलो वापस चलते हैं भाई। दोस्तों मैं अभी अपने जहाँ पर मैं वेट करता हूँ ऑर्डर का, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, मंदिर के पास ठीक है, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। और चलो मैं फ़ोन पे दिखाता हूँ। दोस्तों देखो अभी 2:45, यानी कि 2:45 बज रहा है, ठीक है। और देखो टू ऑर्डर्स, क्योंकि मल्टी ऑर्डर आया था, 2 ऑर्डर्स 1:44 और 55 रुपीज़ का अर्निंग। और इसमें से अगर मैं जाऊँ ना, तो देखो मल्टी चाउमैन से ही मल्टी ऑर्डर आया। एक है 10 रुपये का, 10 रुपये का कारण है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर किलोमीटर अगर मैं वाइज देखूँ ना, तो मुझे सिर्फ 300 मीटर जाना पड़ा। देखो ये 10 रुपये मुझे नहीं मिलता, मुझे 25 रुपये ही मिलता, लेकिन मल्टी ऑर्डर आ गया था इसीलिए प्राइस घट गया। 300 मीटर में 10 रुपये ठीक है, 10 मिनट में डिलीवरी किया, क्योंकि एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग में एंट्री कटवाते लेट हो गया ना, इसीलिए वक्त लगा। और यहाँ पर 45 मिनट्स है। और एक बात, एक कस्टमर ने या फिर एक पर्सन ने मुझे यूट्यूब पर कमेंट किया था कल के वीडियो में कि क्या कस्टमर जो टिप देता है उसे हम देख सकते हैं इमीडिएटली डिस्प्ले में। तो आज मैं दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ पर टिप मिला है। हाँ फोकस चाउमैन 45 रुपीज़, 2.1 किलोमीटर, 15 मिनट में मैंने डिलीवरी किया इसको। ये देखो कस्टमर टिप 20 रुपये, ऑर्डर अर्निंग 25 रुपये, और फ्लोटिंग कैश जो है वो 0 है। हाँ तो टोटल मेरा ये ऑर्डर का 45 रुपये हो गया। देखा डिस्प्ले में दिखाता है, बस आपको डे अर्निंग में अंदर जाकर आपको देखना है। कस्टमर टिप 20 रुपये मुझे दिया है, और इस तरीके से भी देख सकते हैं। और जब आप लोकेशन पे पहुंच जाओगे, कस्टमर के घर पे अगर आप पहुंच जाओगे ना, तो देखना कि अगर आप पिकअप कंप्लीट यानी कि डिलीवरी कंप्लीट में एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपका अर्निंग दिखाएगा। और वाह ही मतलब कि वहाँ पे ही आपका अर्निंग दिखाएगा। मान लो कि मुझे 25 रुपये मिले, और नीचे आपको कस्टमर टिप सब दिखा देगा। दो तरीका है, आप देख सकते हो। तो चलो थर्ड ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि कब तक आता है। A few moments later. लंच कर लिया है, तो आज घर से बिस्किट लाया था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि सारा रात पेट में दर्द था, इसीलिए बिस्किट लाया था। और थर्ड ऑर्डर भी मेरे पास आ चुका है, चलो दिखाता हूँ। ये देखो ऑर्डर इन प्रोग्रेस, थर्ड ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। हाँ थर्ड ऑर्डर मेरे पास आ चुका है, मेरे पास थर्ड ऑर्डर आ चुका है। और अभी मैं जा रहा हूँ लोकेशन पे, यानी कि रेस्टोरेंट पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, तो चलो जल्दी से रेस्टोरेंट चलते हैं। थर्ड ऑर्डर को मैंने आज घर से बिस्किट लाया था, 6 फ्लोर में एक दुख रहा था सारा रात, अभी ग्राउंड फ्लोर में जा रहा हूँ। देख सकते हो 2 बार वॉशरूम, 3 बार वॉशरूम कर दिया है। तो चलो चलते हैं। A few moments later. A few moments later. A few inches later. तो गाइस मैंने थर्ड ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया है डिलीवरी करना, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलो अभी अपने जोन में वापस चलते हैं, मैं आउट ऑफ जोन मतलब कि जोन से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो चलो जल्दी। दोस्तों देखो ये है आउट ऑफ जोन दिखा रहा है मेरे, और अभी है 4:10 बाकी है। इतना मिस्टेक करता हूँ ना, 4:10 है बाकी। तो चलो अपने जोन में चलते हैं वापस, और अभी तक 3 ऑर्डर कंप्लीट कर पाया हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं ज़्यादा
बात नहीं करूंगा, जोन में पहुंच कर बात करते हैं। A few moments later. दोस्तों मैं अपनी बैठने के जगह पर पहुंच चुका हूं और ये देखो मेरे हाथ में क्या वाटर, बहुत प्यास लगी है तो चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। देखो अभी 4:09 हो गए, यानी कि 4:10 होने वाले हैं। मेरा टोटल अर्निंग्स है 81 रुपीज़, जिसमें से कस्टमर टिप 20 रुपीज़ है और मेरा एक्चुअल इनकम हुआ है 61। अगर मुझे ये जो मल्टी ऑर्डर है ये मुझे अगर एक ही रेस्टोरेंट का है, देख ही सकते हो मल्टी ऑर्डर तो एक ही था और जो थर्ड ऑर्डर है वो भी एक ही रेस्टोरेंट का था, तो ये अगर मुझे तीनों अलग अलग मिलते तो आज मेरा अर्निंग 61 से बदले 76 हो। 76 इसलिए क्योंकि ये वाला ऑर्डर मैंने जब भी मैं क्लिक करता हूँ ना तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस है 3.9 किलोमीटर, अप्रॉक्स 4 किलोमीटर ही समझो, और 26 रुपये मुझे मिला, तो 1 रुपये मैंने ज़्यादा पकड़ा इसलिए 76 मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, होता रहता है। तो 76 एक्चुअल होता तो 20 रुपीज़ मुझे टिप मिलते, यानी मेरा इनकम अप्रॉक्सीमेटली होता 76 रुपीज़ मेरा एक्चुअल इनकम होता टिप्स लगा कर, और इंसेंटिव मिलता 15 रुपये, यानी 112-113 के आसपास या फिर 111 के आसपास मुझे टोटल इनकम हो जाता। क्या कर सकते हैं, ये एक साथ ही हुआ ना इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने आज 3 घंटे काम किया, 3 ऑर्डर्स कंप्लीट किया और 81 रुपीज़ अर्न किया मल्टी ऑर्डर लगाकर, बस और यही किया। और आज इतना तबीयत ख़राब था कि मुझे 1 बजे लॉगिन होना पड़ा, लेकिन 12 बजे से 1 बजे तक का स्लॉट मैंने कल बुक कर दिया था, लेकिन कौन जानता है कि रात में मेरा हालत इतना ख़राब हो जाएगा, तो 12 से 1 बजे का स्लॉट कैंसिल करके 1 से 3 और 3 से 4 बजे तक का काम करता, देखता कि पेनल्टी का कोई इशू होता है या नहीं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा बाद में अगर कुछ होता है तो। और कंपनी ने अपने आप ही ऑफलाइन करवा दिया था मुझे जब 4:01 हुए थे, तो चलो बाद में मिलते हैं। मैं अभी रेस्ट कर रहा था तो चलो अब घर की तरफ चलते हैं। मेरी गड्डी, ये मेरा हमेशा सामने ही रहता है। तो चलो घर वापस चलते हैं, क्या करें। और मैंने अभी साइड स्टैंड लगा कर मेरे सामने ही रखा है, पूरा देख रहा पूरा मेरे सामने है, तो चलो घर वापस चलते हैं। A few moments later. घर अभी पहुंचा हूँ जस्ट, और थोड़ा सा सामान खरीदा है, एक मिनरल वाटर, 2 लीटर का और 2 टिक टैक। ठीक है तो अभी दिखाता हूँ मेरे पालतू एनिमल्स को। लल्ली नहीं है ये, है कि नहीं, मुझे लगता है कि कुछ सोच रहा है। लल्ली अभी पता नहीं किधर है, लाली को नहीं दिख रहा। लाली वीडियो में शायद फर्स्ट में मैंने लाली का फुटेज ले लिया था। स्माइल दोस्तों, फिलहाल के लिए ब्लॉग पे इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग से दोबारा मिलेगा बहुत जल्द, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना, फेसबुक से देख रहा तो फॉलो और यूट्यूब से देख रहा तो सब्सक्राइब। ठीक है तो नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा मिलेगा बहुत जल्द, तब तक जय हिंद वंदे मातरम, टेक केयर टू एवरीवन।